सोचो साथ क्या जाएगा, धर्म और कर्म, क्या बात है। कभी भी टर्न पे ओवरटेक मत करो। अपना पैंथर फर्स्ट टाइम अमरावती में आया है, शाबाश। ओ भाई साहब क्या ही दिख रहा है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। सो बेसिकली घर के सारे फंक्शन हो गए कंप्लीट और मैं अभी जा रहा हूँ अमरावती फ़िलहाल में। एंड अमरावती में जाके आदित्य से मिलूँगा और मेरे भाई से मिलूँगा मैं बस। और बाइक की हालत अभी ऊपर से बहुत ख़राब हो चुकी है, धूल मिट्टी से भर गई थी। आज की जो जर्नी है वो 55 किलोमीटर वन वे है। ये साइड के रोड्स अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, मतलब पहले तो कुछ पैचेस अच्छे थे, सिर्फ कुछ पैचेस गंदे नहीं, अच्छे थे। लेकिन अभी अमरावती तक का रोड हो या फिर बहुत सारे रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हो गए। जैसे हम लोग जालना साइड से भी जब आए थे तो जालना के आगे सारे रोड्स एक नंबर थे। अमरावती इज मोर 41 किलोमीटर्स। मेरा अभी प्लान ऐसा ही है आगे का कि मैं कल शायद से सेमाडोवा जाने वाला हूँ बाइक से। इसके पहले मैं गया था लेकिन तभी कार से गया था, क्योंकि अगर मैं इतना लंबा आया हूँ तो फिर कुछ तो एक्सप्लोर करने मिलेगा, या तो अपनी बाइक हम लोग कोई तो अच्छे लोकेशन पर लेके जा सकते हैं ना। राइड करने में बहुत मज़ा आता है एक पॉइंट तक, अगर कंफर्टेबल बाइक हो, सब कुछ हो। इतने अगर दूर जा रहे हो और कुछ प्रॉपर सेटअप या प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं जाऊंगा तो मज़ा नहीं आता है। बट ये जो ट्रिप की मैंने, बहुत मज़ा आया है। परतवाड़ा से एमपी थोड़ा पास पड़ता है, एमपी साइड की बसेस मोस्टली यहाँ पे आपको दिखेंगी। सोचो साथ क्या जाएगा, धर्म और कर्म, क्या बात है। ये जो हेलमेट है ना एक्सोर का, वो भारी हो रहा है मुझे अभी। मेरा सर ऐसे नीचे नीचे जा रहा है बार बार बिकॉज ऑफ दिस कैमरा, क्योंकि कैमरा का जो वेट है वो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है। कभी भी टर्न पे ओवरटेक मत करो, कितना भी आपको टाइम लग जाए, लेकिन क्या आएगा, भले गाड़ी नहीं आई लेकिन उधर से अगर कुत्ता बिल्ली आ गई उधर ही टाइम जाता है। फिर ये साइड कभी प्रॉपर एक्सप्लोर करने की मेरी इच्छा है, मतलब विदर्भ, नागपुर, अमरावती, अकोला एंड ऑल, मतलब जो भी वहाँ पे फेमस चीज़ें हैं तो ज़रूर मैं एक्सप्लोर करूँगा उसको। ये साइड में जो लोग हैं ना वो बहुत, मतलब एपिक रिएक्शन देते हैं गाड़ी को देख के, मतलब उनको लगता है अरे भाई क्या है ये सब कैमरा वगैरह। कोई कोई मजाक उड़ा देता है, अरे हट ये तो कुछ नहीं, लेकिन कोई कोई ऐसा शॉकिंग रिएक्शन कह सकते हैं वो देते, बाप रे ये क्या आ गया। तो ये है पूर्णा नगर। लास्ट टाइम जब मैं अमरावती से आ रहा था तभी यहीं पर रुक के नाश्ता किया था। एक अभी जस्ट ब्रेक लिया था। दोनों साइड में खेती है, ये साइड। जब भी कभी हम लोग बारिश के टाइम पे आएंगे ना, ये पूरा हरा हरा भरा भरा मस्त है। अमरावती स्ट्रेट राइट साइड में दर्यापुर, जो अकोला अकोट या फिर अकोला परतवाड़ा, वो जो रोड है वो बहुत ख़राब है। अगर आपको अकोला परतवाड़ा जाना है तो वाया दर्यापुर जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं जब गांव आ रहा था राइड के दौरान, मुझे ऐसा लग रहा था यार कभी मैं गांव पहुंचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा एनवायरनमेंट है ना वो बहुत अलग है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग कैसे सिटी में रह रहे के उस एनवायरनमेंट से यूज टू तो हो जाते, कोई नई जगह अगर जाने का रहता है तो एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा रहता है, लोग कल्चर सब अलग रहता है, तो वो देखने में भी एक अलग मज़ा आता है। पहुंच गए अमरावती।
इट्स 4:43 राइट नाउ। अभी मैं जा रहा हूँ आदित्य से मिलने और हम दोनों वहाँ से फिर सनसेट पॉइंट पे जाने वाले हैं। अपना पैंथर फर्स्ट टाइम अमरावती में आया है, शाबाश। काफ़ी बड़ी सिटी है अमरावती भी, वेल डेवलप्ड है और डेवलप हो रही है। बस मजे, टैटू काट ला। कुठे चाललो आपण आता? इथे एक पहाड आहे। अच्छा, चलो सैडलिंग। ये पत्थर मारते चला। ये भाई थाम जरा। अरे मेरे ख्याल से ये बडनेरा हाईवे है भाई। भाई भाई ये कहाँ से लेके जा रहे हैं? ओहो क्या बात है, हाईवे कनेक्ट करो तो ऐसे रास्ते से। क्या बात है, ऐसा रास्ता अगर मुंबई तक कंटिन्यू मिल जावे तो कितना ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ से चल के जाने को भी रास्ता है, लेकिन हम लोग बाइक से जाने वाले हैं। ओहो, प्योर ऑफ रोड पे ला रहे, क्या ही बात है। वाह, सिर्फ कंट्रोलिंग रखना पड़ेगा अच्छे से। मेरे को काला वाइजर निकालना है, मैंने जो लगा के रखा है। बाबा वाइजर निकाल देता हूँ, चल अभी मजा आएगा, अभी क्लियर दिख रहा है। ओहो, चालते ना। हाँ ऑफ रोड में ही तो मुझे मज़ा आता है, कभी कभी बहुत रेयरली करने मिलता है। ऐसे टाइम पे अगर मैं बाइक रोकूंगा तो मैं पीछे ही चला जाऊंगा। मूवमेंट। ओके मुश्किल है, मोमेंटम टूट गया मेरा। इतू ना आलो अस्तो रे मी। हो गया। Not to worry. ओ भाई साहब क्या ही दिख रहा है ये। नहीं जात। थाम। जाते। चलो। इसको बोलते हैं चूल। मजा आता है। ओके इजी। बाप रे मजा आली। हेलो भाई, इसको तो आप जानते रहेंगे, पुणे में भी मिले थे और पुणे में अभी मिलते ही रहेंगे आगे। बट ये अमरावती आया तो एक फ़ायदा ये है यहाँ का होने के कारण कि इसको यहाँ का सब मालूम है ऑलमोस्ट, तो फिर ऐसे सही सही लोकेशंस देखने को मिलेंगे। बहुत प्यारा। गोवर्धन पर्वत नाव दिला है तिथं सर। अच्छा तुम्ही दिलं? विक्रम फ्रंट। अच्छा सनसेट वगैरे खूप छान असतो आणि इथे बघ, इथे वॉटरफॉल पण असतो। हा पावसाळ्यात मान्सून मध्ये वॉटरफॉल पण असतो, मस्त येऊन बसायचं, चिल करायचं। बाकी काही नाही। अमरावती सिटी किती लांब आहे? तरी 8-10 किलोमीटर। अमरावती सिटीमध्येच येतो, याच्या मागे छत्री तलाव आहे। अच्छा
सिटी मध्ये येते दस्तूर नगर ते तुंगवडा 1 किलोमीटर अच्छा आणि हा बडनेरा हायवे हो हा आपला मेन मुंबई हायवे अच्छा NH6 सही आहे पुरी इकडे नागपूर इकडे नागपूर टू मुंबई अच्छा मला वाटलं नागपूर इकडे आहे हा तोच हायवे जो आपल्याला अकोला वगैरे जॉईन होतो अच्छा मॉर्निंग के लिए वो जो है ना वो पहाड़ दिख रहा होगा आपको तो वहाँ से सनराइज बहुत प्यारा प्यारा दिखता है वहाँ से और ये वाली प्लेस से सनसेट बहुत बेस्ट और अभी विंटर में तो अलग ही स्वैग है सनसेट का आई कैची लुक जो मिलता ना वो है चलो निकलते हैं। मज़ा आया आज, एक नई जगह एक्सप्लोर करने मिली आज आदित्य की वजह से। चलो आदित्य मज़ा आया भाई, बहुत एक नंबर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत स्वीट एंड सिंपल राइड हुई आज की। नया एक एक्सप्लोर करने को मिला जगह, ऐसे लगा देखो जगह हमारी इधर की सनसेट की बहुत सही है। एनीवेज अभी एक्चुअली क्या था, हमारा प्लान था कि हम साथ में आने वाले थे पुणे से, हाँ तो लेकिन मेरे एग्जाम्स की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी कोकन राइड करने वाले हैं साथ में दोनों ही, तो उसके लिए भी थोड़ा बने रहो चैनल पे, बाकी मिलते हैं जल्दी, ध्यान में रखना पड़ता है थोड़ा सा स्टार्टिंग पे से, हमारी यूट्यूब पर स्टार्टिंग है ना, वैसा थोड़ा बजट का नहीं है ना हमारा, अपने खर्चा नहीं करते हम लोग, लेकिन गाड़ी का और गाड़ियों का बहुत खर्चा मिलते हैं। चलो अभी GoPro की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो जाते समय सेम ही रोड है, तो अभी खा के मतलब नहीं है कुछ, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर सकते हो, नया हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।